हेलो क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट में बच्चों चैप्टर 50 पढ़ेंगे हम, हाउ मेनी। चैप्टर 50 में हम पढ़ेंगे बच्चों हाउ मेनी। और ये देखिए, हाउ मेनी मीन्स होता है कितने, मीन्स काउंटिंग करनी है कि जो भी इस क्वेश्चन में, जो भी इस चैप्टर में हमको क्वेश्चन मिलेंगे उसको क्या करना है, हमको काउंटिंग करके बताना रहेगा कि इसमें कितने हैं। तो जैसा कि कोई भी सवाल हो सकता है, जैसे अगर कोई पूछ सकता है हाउ मेनी नोज डू यू हैव, हाउ मेनी हैड डू यू हैव। आप जब स्कूल में आते थे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता था, मैम आपसे क्वेश्चन पूछती थी कि हाउ मेनी आइज डू यू हैव, आपके पास कितनी आंखें हैं। तो सेम क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, हाउ मेनी कितने हैं। यहाँ पर हमको ये जितने भी पिक्चर्स दिख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सेंटेंस लिखे गए, इसका हमको काउंट करके बताना है कि ये कितने हैं। चलिए देखते हैं, फिर से पढ़ेंगे। हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर इन ईच, हाउ मेनी ऑफ देम, इन सभी में कितने, प्रत्येक में कितने हैं। काउंट एंड राइट, काउंट करना है और लिखना है डाउन इन एम्प्टी बॉक्सेस, खाली बॉक्सों में जो नीचे दिए गए हैं, खाली बॉक्सों में उनको गिनना है और लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, सारे को हमको काउंट करके और जो ये बॉक्स खाली है इसमें हमको लिखना है। ओके, देखिए लिखा है फर्स्ट में लेग्स ऑफ आ स्पाइडर, लेग्स ऑफ आ स्पाइडर्स में, इसके पहले आपको जीके में पढ़ाया भी गया था, मैंने पढ़ाया था जो स्पाइडर होती है, जो मकड़ी होती है उसमें कितने पैर होते हैं बच्चों। तो इसमें हमको लिखना है तो कितने पैर होते हैं। आपको पता होगा कि मकड़ी के पास, मकड़ी की 8 लेग्स होते हैं, 8 पैर होते हैं, यहाँ पर हम काउंट भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने होते हैं बच्चों, 8। स्पेलिंग ऑफ 8 ई आई जी एच टी 8। ये देखिए हमने 8 लिख दिया। अभी सेकंड देखते हैं, साइड्स इन आ ट्रायंगल, साइड्स इन आ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है, उसमें कितने साइड होते हैं, फिर कह सकते हैं इसमें कितने किनारे होते हैं। इस ट्रायंगल के हमको किनारों को काउंट करके और यहाँ पर लिखना है कितने साइड होते हैं ट्रायंगल में बच्चों, 3। काउंट करके देखते हैं हम, देखिए ये फर्स्ट साइड हो गया और ये सेकंड और ये थर्ड। तो देखिए 3 साइड, इसमें 3 किनारे होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम 3। स्पेलिंग ऑफ 3 टी एच आर ई ई 3। तो देखिए हमने फर्स्ट और सेकंड काउंट करके लिख लिया है। अभी देखते हैं 3, 3 में क्या लिखा गया, फेसेस इन आ डाइस, जो डाइस होता है, पासा होता है, इसमें कितने फेस होते हैं। तो हमको देखिए इसको भी काउंट करके ही लिखना है कितने फेस होते हैं बच्चों। आप सभी लूडो खेलते हैं, आप सभी को पता होगा कि कितने फेसेस होते हैं। तो हमको काउंट करना, कैसे काउंट करेंगे बच्चों, ये देखिए ये जो ऊपरी सतह है, जो ऊपरी भाग है, कितना हो गया बच्चों, ये 1 हो गया। एंड ये देखिए जहाँ पर ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 जहाँ पर नंबर काउंट पॉइंट लिखा गया है, इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 बना देंगे, 1 2, और ये 3 हो गया। अब देखिए 3 की बात बच्चों, ये देखिए जो इसकी साइड, ये जो इस साइड में होगा, ये क्या हो गया, ये 4 हो गया। और ये देखिए 1 के नीचे भी तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया होगा, तो जो 1 के नीचे का है ये क्या हो गया, 5 हो गया। और जो 2 के पीछे की साइड होगी, ये हो गया 6। तो जो डाइस में कितने फेस होते हैं बच्चों, 6 होते हैं। एक बार आप लूडो को, लूडो जो लूडो का डाइस होता है, उसको आप ऊपर नीचे करके देखेंगे, काउंट करेंगे, तो आपको अच्छे से फिर से समझ में आएगा। एक बार फिर से हम देखते हैं, देखिए जो ऊपरी सतह है, ऊपर का 1 हो गया, और ऊपर का जो बिल्कुल ऊपर के तुरंत नीचे यहाँ पर है वो क्या हो गया, 2 हो गया। और ये देखिए 3, और इसी के यहाँ पीछे 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 6। स्पेलिंग ऑफ 6 एस आई एक्स 6। ओके, फोर्थ देखते हैं, नोजेज इन अ फेस, नोजेज इन अ फेस, जो फेस में हो, चेहरा होता है, उसमें कितने नोज होते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, 1। क्या लिखेंगे हम, 1। स्पेलिंग ऑफ 1 ओ एन ई 1। ओके, जो हमारे, हम सबको पता है कि एक ही नोज होता है, 1 ही नोज होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 1 ओ एन ई 1, नोजेज इन अ फेस 1। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कलर्स इन अ रेनबो, रेनबो में कितने कलर होते हैं, ये हमको बताना है बच्चों। तो रेनबो में कितने कलर होते हैं, चलिए यहाँ पर हम काउंट करके देखते हैं। तो यहाँ नीचे से काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कलर होते हैं बच्चों, 7। तो क्या लिखेंगे हम, 7। स्पेलिंग ऑफ 7 एस ई वी ई एन, ओके 7। तो देखिए क्या हो गया, लेग्स ऑफ आ स्पाइडर 8,
साइड्स इन अ ट्रायंगल 3, फेसेस इन अ डाइस 6, नोजेस इन अ फेस 1, कलर्स इन अ रेनबो 7। ओके, फिफ्थ सेंटेंस तक हमने कंप्लीट कर दिया। अभी देखते हैं सिक्स में क्या लिखा है। व्हील्स इन अ बाइसिकल, बाइसिकल में कितने पहिए होते हैं, कितने चक्के होते हैं, तो इसको हमको बताना है। देखिए 1, 2, दो होते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2, स्पेलिंग ऑफ 2, TWO 2। सेवन देखते हैं, टोज ऑन द फील, पैर में पाँव में कितने टोज होते हैं, कितनी उंगलियाँ होती हैं। तो बच्चों हमको हम सबको पता है हमारे जो टोज होते हैं उसमें 10 फिंगर्स होती हैं, 10 उंगलियाँ होती हैं। काउंट कर लिखते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, एक पैर में 5 होते हैं, 1 पैर में 5, और देखिए दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 और 5 मिलकर कितने हो गए बच्चों 10, कितने हो गए 10। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 10, स्पेलिंग ऑफ 10, DEN, क्या हो गया 10, टोज ऑन द फीट 10। अब 8 देखते हैं, 8 में लिखा है प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम में ग्रह होते हैं कितने होते हैं बच्चों, ये हमको काउंट करना है, और आपको पता भी होगा हमने पहले पढ़ा दिया था कितने होते हैं बच्चों 8, कितने प्लैनेट होते हैं 8 होते हैं। देखिए यहाँ पर काउंट करेंगे हम, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 होते हैं, पहले 9 था, तो ये क्या हुआ था बच्चों, ये अभी एक विलुप्त माना गया है, तो इसलिए हमने 8 ही काउंट किया है, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, स्पेलिंग ऑफ 8, EIGHT, 8, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम 8। ओके, अभी 9 नंबर पर देखते हैं, 9 नंबर है व्हील्स इन अ कार, अभी तक हमने इसके आगे पढ़ा था व्हील्स इन अ बाइसिकल, तो इसमें हमने 2 लिखा था, अभी देखिए लिखा है 9 में व्हील्स इन अ कार, कार में कितने व्हील्स होते हैं, कितने पहिए होते हैं, हम सबको पता है 4, कितने होते हैं बच्चों 4, देखिए 1, 2, और आगे की साइड में 2 व्हील्स होते हैं और पीछे की साइड में 2 व्हील्स होते हैं, तो कितने 2, 2 कितने मिलके हो गए बच्चों 4, कितने हो गए बच्चों 4, स्पेलिंग ऑफ 4, FOUR, व्हील्स इन अ कार 4। 10 एंड लास्ट सेंटेंस है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिंगर्स इन अ हैंड, इन अ हैंड, देखिए यहाँ पर हमने लिखा था आगे, अभी पढ़ा था 7 नंबर पर टोज ऑन द फीट, भी हमने पढ़ा था कि फीट में मतलब पैरों में, तो यहाँ पर दोनों पैरों की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए जो 10 नंबर पर लिखा गया है फिंगर्स इन अ हैंड, मीन्स वन हैंड की बात पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पर वन हैंड की बात पूछ रहा है, और देखिए यहाँ पर वन हैंड पिक्चर में बना भी है, तो हमको यहाँ पर वन हैंड का फिंगर्स की लिखना है, तो एक हाथ में कितनी उंगलियाँ होती हैं बच्चों, कितनी उंगलियाँ होती हैं 5, काउंट करके देखते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, जो 10 नंबर का सेंटेंस है ये पूछ रहा है कि एक हाथ में कितनी उंगलियाँ होती हैं, कितनी उंगलियाँ होती हैं, तो हम आंसर क्या लिखेंगे 5, स्पेलिंग ऑफ 5, FIVE 5, ये देखिए हमने 5 लिख दिया है। अभी आपको करना क्या है कि हमने जितने भी ये चैप्टर 50 में हमने जितने भी ये सेंटेंस 10 सेंटेंस हमने पढ़े हैं और हमने यहाँ पर सामने नंबर्स नेम लिखे भी हैं, आपको इस सबको लर्न करना, ये आपका होमवर्क है। क्या करना है बच्चा आपको, आपको इसको लर्न करना है। तो लेग्स ऑफ अ स्पाइडर 8, साइड्स इन अ ट्रायंगल 3, फेसेस इन अ डाइस 6, नोजेस इन अ फेस 1, कलर्स इन अ रेनबो 7, व्हील्स इन अ बाइसिकल 2, टोज ऑन द फीट 10, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम 8, व्हील्स इन अ कार 4, फिंगर्स इन अ हैंड 5। ये आपको मैंने पूरा चैप्टर 50 मैंने पढ़ा दिया है और लिखा भी दिया है, इसको आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।